कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार अब जो लोन पे लोन ले रही है उसकी सफाई देने में आ गई है, और वो सफाई भी साफ गोई से दे नहीं पा रहे। सरकार के विभाग ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी कि 10,300 करोड़ रुपए का लोन जनवरी 2023 से लेकर के लिया। दिसंबर में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई और हमने उसका हिसाब बताया कि 1,000 करोड़ रुपया प्रति मास की एवरेज से वर्तमान सुखविंदर सरकार लोन लेने में जुटी हुई है, और ये लोन लगभग 60,000 करोड़ रुपए 5 साल में जाएगा, बिना किसी काम को किए, बिना किसी दफ्तर को खोले, बिना किसी अस्पताल को खोले और बिना कोई गारंटी पूरी किए ये लोन 60,000 करोड़ को जाएगा। आज वो इसकी अलग प्रकार से सफाई दे रहे हैं। वो हिसाब किताब की जगलरी तो आप कर सकते हैं, परंतु हिमाचल की जनता बार बार और कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है। आज सवाल ये नहीं है कि आपने कितना लोन लिया, सवाल यह है कि आपने 1,500 संस्थान बंद कर दिए। उन संस्थानों का और बंद करने का औचित्य आज तक आपने नहीं बताया। लोग परेशान हो रहे हैं, आप संस्थान बंद किए जा रहे। आपने एक और कीर्तिमान स्थापित किया, परसों स्पार्ट 2 के अंदर बहुत बढ़िया चलता चलाता एक कॉलेज बंद कर दिया। उसको सरकार ने टेक ओवर किया, बरसों से चलने वाला कॉलेज उसको बंद कर दिया। आप नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे, फिर आप कह रहे हैं हम 1,100 करोड़ रुपए की आमदनी बढ़ा रहे हैं। हाँ, आमदनी तो बढ़ेगी भाई, आपने डीजल के ऊपर वैट 7.5 रुपया लीटर बढ़ा दिया, 1,500 करोड़ रुपया तो उसी से बढ़ गया, जनता की जेब में से निकाल लिया आपने और आप बढ़ा दिया। आपने बिजली के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी तो पैसा बढ़ा दिया, जनता की जेब में से निकल गया। आपने बसों का किराया बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी तो आमदनी तो बढ़ेगी, परंतु आपने जनता को क्या दिया? आपने एक भी अस्पताल नहीं खोला, पीएचसी नहीं खोली, स्कूल नहीं खोला, कॉलेज नहीं खोला, दफ्तर नहीं खोला, पटवार खाना नहीं खोला, आपने एक भी नई सड़क नहीं बनाई। सारी सड़कों का पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। अभी अभी आपके अकाउंट में 2,700 करोड़ रुपया सड़कों का आया। आप बार बार बोलते हैं केंद्र कुछ नहीं दे रहा। केंद्र सरकार से 1,200 करोड़ रुपया और बाढ़ राहत के नाम पर आया, आप बोलते केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रहे। 4 लेन नेशनल हाईवे की टोटल क्लियरेंस का काम केंद्र सरकार कर रही है, लगभग 1,000 करोड़ रुपए में 4 लेन नेशनल हाईवे को ठीक करने का काम चला हुआ है, आप कह रहे केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रही। हमारा सवाल तो आपसे उल्टा है कि प्रदेश की सरकार जनता को क्या दे रही है? गारंटियां तो आपने देनी नहीं है, वो तो आपने झूठ बोल करके किया है। पहली कैबिनेट चली गई, अब तो कम से कम 50 कैबिनेट हो गई है, वो वायदा तो खत्म हो ही चुका है, परंतु अब दोबारा से आप एक ताना बाना बुनने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। जो जगलरी और वर्ड्स आप तैयार कर रहे हैं ये सर्वथा अनुचित है, और हिमाचल की जनता इतना सब कुछ समझती है, हर हिसाब किताब समझती है कि कैसे आपने बहनों को धोखा दिया, कैसे आपने युवाओं को, बेरोजगारों को धोखा दिया, कैसे आपने किसानों को और दूध के नाम पर, गोबर के नाम पर धोखा दिया, कैसे आपने आम उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली के नाम पर धोखा दिया। ये लगातार जो चल रहा है क्रम, ये ठीक नहीं है।